हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड खुशहाल होंगे। तो रमज़ान को सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और रमज़ान के पहले ऑलमोस्ट मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि मैंने जो कुछ भी प्री प्रिपरेशन की है रमज़ान के महीने के लिए, वो मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो जो भी मैंने शॉपिंग वगैरह की है, मैं ऑलमोस्ट आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं आ गई थी क्रॉफर्ड मार्केट में। एक्चुअली जब घर के कुछ बर्तन वगैरह लेने होते हैं ना, तो मुझे क्रॉफर्ड मार्केट पहले मेरे दिमाग में आता है। तो यहाँ पे मैं आई थी कुछ घर के सामान लेने के लिए रिलेटेड टू रमज़ान इट्सेल्फ। तो यहाँ से मैंने जो कुछ भी लिया है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और यहाँ पे है ना, बहुत अच्छा एक ड्राई फ्रूट मार्केट है। मतलब ड्राई फ्रूट मार्केट स्पेसिफिक नहीं है, वो एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपको घर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं इंशाल्लाह एक व्लॉग अलग से बनाऊंगी वो मार्केट का। तो यहाँ पे मैंने टैंग लिया था, खजूर लिया था और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे और एक एक्स्ट्रा हॉट सॉस लिया था, चिली सॉस, और एक मोजीटो लिया था। और क्रॉफर्ड मार्केट से मैंने लिया था ये चॉपर। ये 6 ब्लेड वाला चॉपर है। मेरे पास ऑलरेडी एक चॉपर है, वो छोटा है 3 ब्लेड्स वाला, और ये 6 ब्लेड्स वाला चॉपर है। ये ऐसे प्रेस करके हम लोग सब्जियां चॉप्ड कर सकते हैं। उसके बाद एक स्पून लिया था, ये दो एकदम छोटे छोटे ट्रे लिए थे जिसमें सिर्फ 2 कप चाय आ सके। एक दस्तरखान लिया था और ये एक मेरी मशीन का कवर, वॉशिंग मशीन का, और एक फ्रिज का कवर। और ये मैंने एक ड्राई फ्रूट कटर लिया था। एक्चुअली मेरे पास एक था बट वो बहुत छोटा है, उसमें काटते काटते बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने ये इस बार ये बड़ी साइज़ का लिया। और उसके बाद ये मैंने एक बड़ा सा डस्टबिन लिया था क्योंकि रमज़ान में कचरा तो अनलिमिटेड निकलता है। और ये एयरटाइट कंटेनर लिया था मैंने, ऐसे 2 लिए थे सामान फ्रीज करने के लिए। ऑलमोस्ट वो सब मेरा हो गया। उसके बाद मैं घर की क्लीनिंग वगैरह करने लगी थी और यहाँ पे मैं अपने बेड में से कुछ पुराना खजाना निकाल रही हूँ मेरा। मेरे कुछ कपड़े थे बहुत पुराने पुराने, तो बहुत पुराने मतलब कुछ ऐसे अनस्टिच कपड़े थे जो मैंने बेड में रख दिए थे, और 2 साल तो लॉकडाउन में ही गया तो कुछ कपड़े वगैरह मैंने स्टिच नहीं करवाए। तो यहाँ पे मैं वही सब पुराने कपड़े निकाल रही थी और जो घर के कर्टन्स वगैरह निकालने थे चेंज करने के लिए, तो वो सब मैं निकाल रही थी। मेरी शॉपिंग वगैरह ऑलमोस्ट डन हो गई थी, जो भी मैं फ्रीज करके रखती हूँ सामान वो भी मेरा सब हो गया था। उसके बाद मैंने क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया था क्योंकि फिर बनाओ फिर गंदा होता है किचन, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार सब कुछ बना लेती हूँ उसके बाद मैं क्लीन करूँगी। तो फाइनली मेरी अब जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तब तक मेरी क्लीनिंग भी हो चुकी रहेगी। तो ये एक जो आपने पहले देखा वो मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर लाया था, एक टॉप का कपड़ा था वो। और ये एक जो ड्रेस मटेरियल है ये मेरे हस्बैंड ने लास्ट टू लास्ट ईयर अजमेर से लेके आए थे। और ये कुर्ता है जो आज से 3 साल पहले मेरे भाई ने मुझे रक्षाबंधन पे दिया था। ये सब मैंने ऐसे ही रखा था, कुछ को अल्टर कराना है, कुछ को स्टिच कराना है। और उसके बाद मैं क्लीनिंग पे लग गई थी, तो धीरे धीरे करके मैंने सारी क्लीनिंग कर ली। अच्छा, मैंने अकेले नहीं किया था, मैंने अपनी हेल्प के लिए मेरी देवरानी हैं उनको बुलाया था, तो हम लोगों ने मिलके ही सब कुछ किया। छोटे बच्चे रहते तो ऑब्वियसली अकेले करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और आजकल अजहान की तबीयत भी थोड़ी सी डाउन डाउन रहती है। उसको बहुत ज़्यादा सर्दी है और वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है। एक्चुअली मैंने उसको अभी जल्दी एक वैक्सीनेशन दिलवाया था, तो जब से उसको वैक्सीनेशन दिया है जब उसके बाद से उसकी तबीयत थोड़ी डाउन डाउन ही है, बट इट इज़ नॉर्मल वायरल कफ एंड कोल्ड। मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था। तो उसके बाद क्लीनिंग वगैरह में मैं लग गई थी। और अच्छा, मैंने पहले भी सब जितने भी मैंने जो भी प्रिपरेशन की है शॉपिंग की है वो व्लॉग मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो अगर आपने नहीं चेक किया है तो डेफिनेटली चेक कीजिएगा। और अभी ये रमज़ान के लिए मैंने एक अलग एक पेंट्री नहीं बोल सकते, एक अलग कैबिनेट मैंने सेटअप किया है। और ये देखिए, ये जो 2 प्लेट्स आप देख रहे हैं ना, सर्विंग प्लेट, ये भी मैं मस्जिद बंदर से लेके आई थी क्रॉफर्ड मार्केट से। और ये मैं एक अलग सेटअप कर रही हूँ स्पेशली रमज़ान के लिए, जो बर्तन मुझे रमज़ान में लगेंगे इफ्तार के टाइम पे
उसके लिए और जो कुछ भी सामान स्पेशली हम लोग को रमज़ान में इफ्तार के टाइम पे लगते हैं ना, उसका मैंने एक अलग से कैबिनेट सेट किया है, तो वो अभी मैं आपके साथ में आगे शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं आपके साथ मेरी क्लीनिंग और जो भी सेटअप मैंने किया है वो मैं शेयर कर रही हूँ। और ये वही फ्रिज का कवर है जो आपने देखा, अभी ये थोड़ा सा 1 इंच छोटा हो गया, मेरी फ्रिज की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा थी इसके लिए। और फाइनली मैंने मशीन पे भी कवर डाल दिया, मशीन पे पानी जाता है ना तो मशीन बहुत नीचे का पतरा वगैरह जो होता है मशीन का वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बेहतर है आप वॉशिंग मशीन है तो या तो स्टैंड पे रखिए या तो ऐसे कवर डाल के उसको प्रोटेक्ट कीजिए। और फिर यहाँ पे मैं कर्टन्स लगा रही थी, ये मैंने डबल कर्टन्स लगाए हैं, ये भी एक्चुअली रमज़ान की एक तैयारी है। एक्चुअली रमज़ान में क्या होता है ना, हम सुबह सहरी में उठते हैं जल्दी, 3:30 बजे उठते हैं, उसके बाद सोते सोते कुरान वगैरह पढ़ने के बाद सोते सोते ऑलमोस्ट 7:30 बज जाते हैं, वो टाइम तक सनराइज़ भी हो जाता है, धूप बहुत अच्छी आने लगती है, तो बहुत ज़्यादा लाइट आती है कमरे में, तो इसलिए मैंने डबल कर्टन लगाए हैं थोड़ा सा अंधेरा रहने के लिए। और अभी जो ये कपड़े आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली मेरे अरहान के कपड़े हैं, जो कुछ मेरे फेवरेट कपड़े थे वो मैंने रख लिए थे, बाकी सब तो मैंने दे दिए, अरहान के कज़िन हैं छोटे उनको दे दिए मैंने, तो जो अरहान के जो मेरे फेवरेट थे वो मैंने रख दिए थे और मैंने बेड से उनको निकाला है। एक दिन पहनाऊंगी तो डेफिनेटली आपको दिखाऊंगी, शेरवानी थी वो मैं अरहान को पहनाऊंगी। और ये है मेरा फ्रीज़र, जो भी आइटम मैंने बना के फ्रीज किया है, आई गेस 3-4 का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, एक दो रेसिपी बाकी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिल जाएगी। तो और ये है वो कैबिनेट जो मैं रमज़ान के लिए सेटअप कर रही हूँ, यहाँ पे ये जो छोटा सा कैबिनेट है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे मैं मेरी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी जो होती थी ना वो रखती थी, लाइक डब्बों में खाली करने के बाद जो भी बचता था ना उनको मैं यहाँ पे रखती थी। तो फिलहाल 1 महीने के लिए मैंने वो सब यहाँ से हटा दिया है और यहाँ पे मैं स्पेशली रमज़ान के लिए सेटअप कर रही हूँ, ताकि रमज़ान में ज़्यादा इधर उधर ढूंढना ना पड़े चीज़ें, थोड़ा सा ईजी हो जाए। रमज़ान का जो महीना होता है ना, वो एक्चुअली सिर्फ खाने और सोने के लिए नहीं होता है, ये महीना जो है वो स्पेशली इबादत करने के लिए होता है, कुरान की तिलावत करने के लिए होता है। इस महीने में ऐसा बोलते हैं, हम एक नेकी करेंगे और हमको 70 नेकियों का सवाब मिलेगा, तो इन शॉर्ट ये हमारे लिए बोनस मंथ है, तो इसका पूरा इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो इसलिए मैं सब कुछ प्री प्रिपरेशन करके रख रही हूँ, ऑलमोस्ट बहुत लोग ऐसा करते हैं, ताकि ये मंथ में हमको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाए इबादत करने का, नेकी करने का, तो वही मैं कर रही हूँ। और मुझे थोड़ा बहुत आपके साथ में शेयर भी करना रहेगा, तो उसके लिए भी टाइम रहना चाहिए ना, इसलिए मैं सब कुछ पहले से करके रख रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा मैंने ब्रेड क्रम्स रखा है, शक्कर पाउडर रखा है, टैंग रखा है, चने की दाल रखी है, वटाना, बेसन मिक्स रखा है, मैदा रखा है, और नीचे यहाँ पे गेट्स रखा है, कस्टर्ड रखा है, ये बच्चों के लिए एक मैगी का पैकेट रखा है, एक्स्ट्रा टैंग रखा है, और जो भी सॉसेस वगैरह लगते हैं ना हमको रमज़ान में, वो भी मैंने यहाँ फिलहाल के लिए रख दिया है। तो ये है मेरा फाइनल पूरा जो कैबिनेट सेटअप है वो। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने आस पड़ोस में ज़रूर देखिएगा कि जिसको ज़रूरत है उनकी हेल्प कीजिएगा। रमज़ान इसीलिए होता है कि हम दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की मदद करें। और उसके बाद वहाँ पे मैंने जो भी शरबत वगैरह था वो भी वो कैबिनेट में ऐड कर दिया था। अच्छा, मैं 99 में गई थी लास्ट टाइम, मार्केट 99 में, तो वहाँ से मैंने कुछ नाइफ्स लिए थे, मेरे घर में एक ही नाइफ था और वो भी अच्छा खासा नहीं चल रहा था, तो इसलिए मैंने नाइफ्स लिए, एक ही सर्विंग ट्रे लिया था वहाँ से, और वहाँ पे एक्चुअली स्टॉक क्लियरेंस का सेल चल रहा था तो वहाँ से मैंने लिया था। और ये कप सॉसर का सेट लिया था, ये 2 कप सॉसर का सेट था, ये भी कुछ 50% या 60% ऑफ में मिला था, और ऐसा मेरे हस्बैंड को चाहिए था, ऐसे बड़े मुंह वाले जो कप होते हैं ना वो। और ये मैंने एक जूस के लिए, शरबत के लिए ये एक जार लिया था, ग्लास का जार है ये। तो
तो ये सब लिया था मैंने वहाँ से। और ये मैंने ग्लास का सेट लिया था, कांच के ग्लास से, ये मुझे मिले थे 250 रुपीज़ में, और ये मैंने लिया था नॉर्मल अपने लोकल मार्केट से। तो फिर इसको मैंने यहाँ पे मेरा बहुत छोटा सा एक क्रॉकरी यूनिट है वहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरा जो रमज़ान का जो कैबिनेट सेटअप है, जो भी बर्तन के सेटअप है वो, तो ये है मेरा कैबिनेट सेटअप। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्प हुई होगी, यूज़फुल लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं। अल्लाह हम सभी को हिम्मत दे, हिदायत दे रोज़े रखने की, इबादत करने की, और स्पेशली वो लोग जो रोज़े रख के धूप में अपनी रोज़ी के लिए बाहर इधर उधर काम करते हैं, तो अल्लाह उनको भी हिम्मत दे, सब्र दे, और उनके रोज़े कबूल करें, हम सब की दुआएँ कबूल करें, और हम सबको तंदुरुस्ती दे, सभी बच्चों को तंदुरुस्ती दे। और आप सभी से दुआ की दरख्वास्त मेरे लिए, अपने सभी भाई बहनों के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सी यू सून, बाय बाय।